फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक टिप्स DMS में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे NSP टैबलेट के बारे में। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और मैं आपको एक से एक नई जानकारी देता रहूँ। आइए बात करते हैं NSP टैबलेट के बारे में। दोस्तों, NSP टैबलेट में जो एसाइक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल फार्मूला होता है, जो कि डबल कॉम्बिनेशन फार्मूला है, और ये विशेष तौर पर पेन किलर टैबलेट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसाइक्लोफेनाक ये पेन किलर होता है और पैरासीटामोल है आपका अगर फीवर वगैरह होता है इसको डाउन करने के लिए होता है। दोस्तों, अगर बॉडी में पेन होता है या बॉडी में किसी प्रकार का बैक पेन, लोअर पेन या फिर शोल्डर पेन, नेक पेन, कहीं का भी पेन होता है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आपको फीवर होता है, फीवर में अगर एसाइक्लोफेनाक या पैरासीटामोल का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये फीवर के साथ साथ आपके जो पेन होता है ना उसको भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात जानकारी देना चाहता हूँ कि एसाइक्लोफेनाक, जैसा कि किसी को चोट मोच हो जाती है या फिर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो ये पेन को रिलीफ देता है। प्लस इस फॉर्मूले से इस्तेमाल करने से आपको फीवर अगर होता है तो फीवर को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि NSP टैबलेट के अंदर विशेषता यह है कि यह पेन किलर के रूप में प्लस आपको फीवर को भी डाउन करता है। और जिन लोगों को फीवर के साथ पेन होता है, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अकलंसी होती है, बहुत ज़्यादा दर्द सा महसूस होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहती है। दोस्तों, आइए और बात करते हैं कि इस एसाइक्लोफेनाक के मतलब साइड इफेक्ट क्या देखे गए। दोस्तों, एसाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल टैबलेट के NSP टैबलेट के जो साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि बदहजमी होना, सीने में जलन हो जाना, पेट दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना या कब्ज़, ऐसी कुछ मतलब साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिले हैं। दोस्तों, कोई भी दवा आप इस्तेमाल करते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी कोई दवा इस्तेमाल ना करें। कभी भी कोई दवा आपको अगर मेडिकल से परचेज करना है तो किसी डॉक्टर की सलाह के बगैर आप मेडिकल से कोई दवा परचेज ना करें, और आप अगर करते हैं तो किसी डॉक्टर की सलाह से ही उस दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर दवा का अलग अलग इफेक्ट होता है। ऐसी बॉडी का है, हर बॉडी का और हर दवा का अलग अलग इफेक्ट होता है। कौन सी दवा कौन से इफेक्टेबल होती है ये उसकी बॉडी पर मेंटेन करता है। दोस्तों, तो कभी भी कोई दवा इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, बिना सलाह के कोई भी दवा का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, हमारा काम होता है उसकी विशेषताओं को बताना, लेकिन अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बावजूद भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई दवा का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस मैं यही बताने वाला था, इस टैबलेट की मैंने विशेषता बताई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। जय हिंद, जय भारत।